एडजस्टमेंट नंबर टू, देखो अभी तक एक बार मैं बता दूं आपको हमने क्या क्या कवर कर लिया। सबसे पहली क्लास में, क्लास वन में हमने देखा था कि ऑपरेटिंग में क्या जाएगा, इन्वेस्टिंग में क्या जाएगा और फाइनेंसिंग में क्या जाएगा। क्लास टू में हमने समझा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या फॉर्मेट रहेगा। क्लास थर्ड के अंदर हमने देखा था कि प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट रहेगा और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया। अब एडजस्टमेंट, कुछ चार से पांच एडजस्टमेंट है मेन मेन जो हमारे सिलेबस में है, जो एग्जाम में आता भी है लगभग, उसमें से एक है एडजस्टमेंट नंबर टू, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की मैं बात करूं तो डेप्रिसिएशन होता है हमारा कौन सा आइटम? नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम। और नॉन कैश आइटम जो है इसे ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट में। डेप्रिसिएशन को हम नेट प्रॉफिट में यूजुअली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब देखो इसमें दो सिचुएशन हो सकता है। एक तो हो सकता है कि आपको एग्जामिनर बोल दे भाई डेप्रिसिएशन 5,000 और 10,000 एडजस्टमेंट में जाके, या फिर एग्जामिनर बोल दे के भाई डेप्रिसिएशन 20%, 30%। मतलब ओवरऑल व्हेन डेप्रिसिएशन गिवन इन द क्वेश्चन, जब आपको डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको तो कुछ नहीं करना, वैसे आपको मेनली डेप्रिसिएशन फाइंड करना है तो ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर ना हम आगे फ्यूचर के लिए जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे उसके लिए मैं आगे लेके चल रहा हूं, अगर डेप्रिसिएशन गिवन होगा तो हमारा क्या करना है, हमें एक अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है। और अकाउंट कौन सा बनाएंगे? एक फिक्स एसेट्स अकाउंट। जिस भी एसेट्स के ऊपर होगा उस एसेट्स का अकाउंट बना लेंगे। अब फिक्स एसेट्स है, इसका बैलेंस बीडी कहां से होगा? टू साइड। ये अकाउंट बनाने का पर्पस ये नहीं रहेगा कि डेप्रिसिएशन फाइंड करें, इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन का यूज करके हम कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड करेंगे जो कि कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज हो जाएगा। पर्टिकुलर सबसे पहले देखा जाए तो 22 हमारा बैलेंस बीडी टू साइड में, मैंने यहां लिखा टू बैलेंस बीडी। इसके बाद आएगा बाय साइड में बाय बैलेंस सीडी, ये इन्फॉर्मेशन में गिवन होगा। और हमेशा याद रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट में बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, वो ना तो ऑपरेटिंग में जाता है, ना तो फाइनेंसिंग में, ना तो इन्वेस्टिंग में, कहीं भी नहीं जाता वो नॉर्मली। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहे फाइनेंसिंग चाहे इन्वेस्टिंग में बैलेंस बीडी सीडी नहीं। हाँ, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, अब मुझे बताना जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो एसेट्स के वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कम हो जाएगा, तो किस साइड दिखाना चाहिए? हम बाय साइड में दिखा देंगे, बाय डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन जो यहां मैंने दिखाया है ये तो आपको गिवन होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मशीनरी बेचेंगे, फिक्स एसेट्स बेचेंगे तो क्या होना चाहिए? कम होगा, ये बाय साइड में जाएगा, बाय बैंक से सोल्ड कर दिया हमने, बैंक से सोल्ड। अगर मशीनरी को बेचते टाइम पे नुकसान हो जाए, लॉस, तो वो भी कहां जाएगा? बाय साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस, या स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस आ गया। ठीक है, अगर इन केस प्रॉफिट होता है तो किधर आएगा? टू साइड में, टू स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगा इनफैक्ट क्वेश्चन में, और इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे। कहां कहां क्या लेंगे अभी देखते हैं। ये टोटल लिखेंगे, ये टोटल लिखा हमने, इधर कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, और जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा उसको हम बोलेंगे परचेज, यानी बैंक से हम परचेज। बस मेन आपका पर्पस ये अकाउंट बनाने का यही है। अगर मैं बोलूं कहीं भाई सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है और डेप्रिसिएशन गिवन है तो मत बनाओ अकाउंट, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इस अकाउंट का काम नहीं है। लेकिन इस अकाउंट में इतने सारे इंफॉर्मेशन है जो कि कुछ पार्ट ऑपरेटिंग में भी जाता है, कुछ इन्वेस्टिंग में भी चला जाता है। जैसे कि क्या क्या पार्ट इन्वेस्टिंग, क्या क्या ऑपरेटिंग, वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखो आपका डेप्रिसिएशन गिवन है तो इसको पता है कहां लिखेंगे हम? ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग में। अब बैंक से सेल किया है, एसेट्स का बेचना इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है,
तो ये होगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। अब सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब एसेट्स को बेचेंगे तो इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, ये चेक करो। इनफ्लो होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं ऑपरेटिंग के एस्पेक्ट से नहीं ले रहा ये एडजस्टमेंट, में ये एडजस्टमेंट मैं किसके एस्पेक्ट से ले रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के एस्पेक्ट से कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद लॉस आएगा, नॉन कैश आइटम है तो ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आपको ये तो क्लियर है ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहां ऐड होगा, ये ऐड होगा नेट प्रॉफिट में। बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी का कोई जगह नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब टू साइड में आ जाते हैं, टू साइड में अगर प्रॉफिट है ये लेस हो जाएगा, कहां से, नेट प्रॉफिट से और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं इसको, थोड़ा सा आपको अपने जब नोट करेंगे तो इसको पूरा ध्यान रखना है। बैंक परचेज, एसेट्स जब खरीदेंगे आउटफ्लो होगा तो इसका कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके इसको हम माइनस में कर देंगे। जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पूरा फॉर्मेट देखेंगे तो हमें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है नहीं है, तब और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगा। तो देखो डेप्रिसिएशन सिर्फ अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको बनाने को बोला जाए तो ये अकाउंट मत बनाना आप, लेकिन अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला जाए तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से एक बैलेंसिंग फिगर निकाला है जिसको क्या नाम दिया है हमने, परचेज, क्लियर है, जिसको हमने नाम दिया है परचेज। और उस परचेज को हमने इनफेक्ट यूज भी किया है, कहां यूज किया है उस परचेज को, मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, ठीक है। अब व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, दो कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, जितना मैक्सिमम एस्पेक्ट हो सकता है वो कवर कर रहे हैं हम। जब आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो तीन बातें होंगी, आपके तीन एसेट्स को मैं तीन कैटेगरी में बांटने जा रहा हूं। तीन कैटेगरी कौन सा, सबसे पहले लैंड, यानी आपको क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि डेप्रिसिएशन है लेकिन फिर भी डेप्रिसिएशन निकलेगा। दूसरा एस्पेक्ट, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए एक पॉइंट बना दिया मैंने, और लैंड एंड बिल्डिंग, इसके बाद तीसरा एस्पेक्ट अदर एसेट्स। अदर एसेट्स का मतलब समझ रहे हो, अदर फिक्स एसेट्स होगा, अदर फिक्स एसेट्स कौन सा, इन दोनों को छोड़कर हम फिक्स एसेट्स पे ही तो लगाएंगे डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले लैंड के ऊपर, तो सर कैसे डेप्रिसिएशन होगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में सपोज करो मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट बनाता हूं, एक सिंपल सा एक्सट्रैक्ट बना देते हैं बैलेंस शीट का बस समझाने के लिए। ये मैंने एक बैलेंस शीट बनाया और इधर ईयर लिखा 2010 एंड इधर लिखा 2011, ठीक है। यहां पे लिखा मैंने लैंड और यहां लिखा 1000 और 1000 से मैंने लिखा 800, ठीक है। अब मेरा लैंड क्या हो गया, यहां पे कम हो गया। तो देखो बढ़ने के भी रीजन होते हैं और घटने के भी रीजन होते हैं। बढ़ने के रीजन हो सकते हैं दो, या तो खरीदा होगा या एप्रिसिएशन होगा। घटने के रीजन दो, या तो डेप्रिसिएशन या बेच दिया होगा, तो ही रीजन हो सकते हैं। लेकिन लैंड हमारा एक ऐसा एसेट्स है जहां पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। आपने AS, अब तो AS 10 हो गया, खैर पहले AS 6 लगता था इस पे डेप्रिसिएशन पे, तो उसमें लिखा गया था कि डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स विच लाइफ इज फाइनाइट। फिक्स एसेट्स पे लगाओ जिसका लाइफ फाइनाइट है। तो लैंड का लाइफ हम मेजरमेंट नहीं कर सकते कि 10 साल 20 साल 30 साल, तो दैट्स व्हाई इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। तो अगर लैंड आपका घट रहा होगा तो आप डिफरेंस डेप्रिसिएशन नहीं मानना, आपने आप अजम्पशन लोगे क्या है, ये सेल है। अगर लैंड डिक्रीज हो रहा है मेरे इस वाले एग्जाम्पल में तो अजम्पशन क्या माना जाएगा लैंड के केस में, सेल। और जो कि सेल हमारा किसका पार्ट है ये पता है आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, ठीक है ना। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वहां पे ऐड हो जाएगा जाके, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके ऐड हो जाएगा ये, ठीक है ना। सेम दूसरा एस्पेक्ट लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में भी ये एग्जांपल मैं ले लेता हूं। चलो
लैंड एंड बिल्डिंग, एक और बैलेंस शीट बना लिया हमने, क्योंकि आपको बैलेंस शीट गिवन होगा। यहां पे लिखा मैंने लैंड एंड बिल्डिंग, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 से 800 हो गया, अब घट गया, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग जब एक साथ जुड़ जाए तो डेप्रिसिएशन लगता है। देखो घटने के दो रीजन है, या तो सेल या डेप्रिसिएशन। सेल नहीं बोला हुआ तो हमें बीच का डिफरेंस अब डेप्रिसिएशन ही मानना पड़ेगा, 200 रुपए का। सर यहां भी तो लैंड है, देखो लैंड की कीमत नहीं मेजरमेंट हो रही, बिल्डिंग पुराना होता है तो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, या सिर्फ ओनली बिल्डिंग भी बोला जा सकता है। तो देखो लैंड अगर कम हो रहा है तो वो डेप्रिसिएशन नहीं है, वो सेल है, लेकिन लैंड और बिल्डिंग कम हो रहा है तो बीच का डिफरेंस क्या माने हम, तो हम डेप्रिसिएशन मानेंगे। यहां केस में डेप्रिसिएशन है 200 रुपए का, ठीक है। और 200 रुपए का डेप्रिसिएशन क्या होगा हमारा, बताओ, ऐड हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट में 200 रुपए, किस नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से, समझ में आया। दोनों में डिफरेंस क्या है पता चला, लैंड अगर सिर्फ लैंड हो और लैंड और बिल्डिंग, हमें एडजस्टमेंट नहीं पता। अगर क्वेश्चन में बोल दे भाई के लैंड के ऊपर हमने 200 रुपए डेप्रिसिएशन लगा रखा है, तो भाई बोल रखा है तो कर दो उसे, जब डेप्रिसिएशन दे ही दिया है तो हमें इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। लेकिन कई बार क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको सारे एसेट्स को, फिक्स एसेट्स को चेक करना है। चेक क्या करोगे, घट तो नहीं रहा, अगर घट रहा है तो रीजन वाई डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अदर एसेट्स, अदर एसेट्स में मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है अदर एसेट्स में। तो अगर अदर एसेट्स है तो बताओ इसका बीच का जो डिफरेंस होगा कम होने का रीजन क्या होगा, इस केस में तो डेप्रिसिएशन ही रहेगा हमारा। 2010 और 2011, मैं अदर एसेट्स में मान लो मशीनरी मान लेता हूं, मान लेते हैं इसको 5000 से 4000, अब फिर कम हो गया। सेल भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन है नहीं बोला तो नहीं है भाई, क्या मानेंगे बीच का डिफरेंस, डेप्रिसिएशन ही मानेंगे हम तो। और इस केस में डेप्रिसिएशन होगा 1000, और ये ऐड हो जाएगा कहां, नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन यानी फिक्स एसेट्स के ऊपर जो एडजस्टमेंट होगा, मैंने डेप्रिसिएशन नाम दे दिया, ये फिक्स एसेट्स का एडजस्टमेंट है सारा टोटल। तो डेप्रिसिएशन के केस में फिक्स एसेट्स पे एक केस वो होगा जिसमें कि आपको गिवन होगा, जब गिवन होगा तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब आपको बनाना होगा तो अकाउंट मत बनाओ, जैसे भी हो जाएगा, लेकिन पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा तो अकाउंट बना लेना, क्योंकि इससे परचेज निकलेगा ही निकलेगा। सेम अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो एवरी फिक्स एसेट्स को चेक करो, घट तो नहीं रहा, अगर घट रहा है तो डेप्रिसिएशन उसमें लगा आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर यहां पे, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि कई बार आपको क्वेश्चन में एसेट्स का बिकना दे रखा हो तो अकाउंट बना ही लेना, अगर बोल रखा हो ये एसेट्स बेचा गया है तब आपको अकाउंट बनाना ही बनाना पड़ेगा। मैं अभी करूंगा इसके बाद, डेप्रिसिएशन का ये पार्ट वन है, इसके बाद हम सीखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा, मेन जो कॉन्सेप्ट होता है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 नोट करिए ये आप एक बार, देखना बोर्ड पे ध्यान देना आप, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले स्टार्टिंग से एक बार मैं ओवरव्यू दे दूं कि हमने क्या क्या कर लिया है। सबसे पहले हमने किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस इंफॉर्मेशन को कौन से एक्टिविटी से रिलेट करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या जाएगा, इन्वेस्टिंग। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा फॉर्मेट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में क्या चीजें ऐड होंगी, क्या चीजें लेस होगी। उस फॉर्मेट के अंदर हमने 3 हेडिंग जनरेट किया था, मेन था आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दूसरा था कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, लास्ट था कैश यूज या फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1 हमने किया था प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर हमने 3 कैटेगरी करा था। फर्स्ट कैटेगरी था हमारा अगर गिवन हो हमें सिर्फ बैलेंस शीट में तो करंट ईयर का ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का माइनस होता है, अगर गिवन हो सिर्फ एडजस्टमेंट में या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में तो सेम अमाउंट ऐड नेट प्रॉफिट में एंड सेम अमाउंट लेस।
इसके बाद अगर आपको एडजस्टमेंट में गिवन हो और बैलेंस शीट में, तो वी विल बी प्रिपेयर अकाउंट एंड वहां से हमें फाइंड किया जा सकता है या तो पेड या तो मेड। इसके बाद हमने देखा था डेप्रिसिएशन के ऊपर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर टू, डेप्रिसिएशन में क्या देखा था हमने कि डेप्रिसिएशन के अंदर मैंने दो कैटेगरी कर दिया था, एक तो जब आपको डेप्रिसिएशन गिवन होगा और एक जब डेप्रिसिएशन नहीं गिवन होगा। जब डेप्रिसिएशन गिवन होगा तो आपको अकाउंट बना लेना है। हमने वो जो अकाउंट बनाया था सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए नहीं बनाया था, वो इन्वेस्टिंग में भी काम आएगा, उसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन भी दिए थे मैंने। अगर डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है तो लैंड अगर डिक्रीज हो रहा है तो सेल मानेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेप मानेंगे, अदर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो डेप मानेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन का ही एक आगे पार्ट आ गया हमारा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर बार एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अब सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है एक बार इस कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। बेसिकली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारा, जैसे कि मान लो मेरे पास, मैंने एक एसेट परचेज किया, एसेट मैंने परचेज किया और ये मैंने बाय किया 2010 में फॉर रुपीज 1 लाख, और 2010 के एंड तक, यानी अगर मैं मार्च फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा हूं तो 2011 में, कब, 31st 3 2011 में, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरा 10% है तो इसका डेप्रिसिएशन जो निकलेगा इस एसेट्स का पर्टिकुलर, वो आएगा 10,000। मैं यहां नहीं लिख रहा, यहां पे लिख रहा हूं। ईयर एंड हो जाएगा मेरा, इस डेप्रिसिएशन का टोटल रहेगा हमारा 10,000 और एसेट्स का वैल्यू 1 लाख। नेक्स्ट ईयर आ जाएगा हमारा 1/4/2011 और ये फिर अगेन एंड होगा हमारा 31/3/2012। फिर से डेप्रिसिएशन अगर एसएलएम है तो अगेन 1 लाख पे ही लगेगा हमारा, डब्ल्यूडीबी है तो 90,000 पे लग जाएगा। हमने यहां पे ब्लैंक छोड़ के मैंने यहां लिख दिया। अब हमारा आ गया टोटल ये तो 20,000, लेकिन स्टिल ये अभी भी क्या रहेगा, 1 लाख। इसके बाद डेट आएगा 1/4/2012, इसके बाद 31/3/2013, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। फिर ब्लैंक छोड़ा 10,000 और ये आ गया मेरा 30,000। अब मेरे पास मशीनरी का वैल्यू क्या है, 1 लाख। तो जो ये मैंने लिखा है, जब कभी भी हम डेप्रिसिएशन को उस एसेट्स में से माइनस नहीं करते, बल्कि हम कहीं पे उस डेप्रिसिएशन को अलग जगह पे, एक जगह पे एक्यूमुलेट करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन के अंदर मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। टोटल मेरे से पूछो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, तो मेरा आंसर है 30,000 रुपीज, और एसेट्स का वैल्यू क्या है हमारा, 1 लाख रुपए। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो वैल्यू हमारा कॉस्ट है, क्या इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया है अभी तक, नहीं। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब है जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब जो एसेट्स खरीदा है उसका टोटल डेप। अब इसके बाद एक हमारा एक और वैल्यू आता है जिसको बोलते हैं डब्ल्यूडीवी वैल्यू, डब्ल्यूडीवी वैल्यू, या फिर हम इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। ये होता है वो वैल्यू जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए और माइनस करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको डब्ल्यूडीवी वैल्यू बोला जाएगा या फिर बुक वैल्यू बोला जाएगा। तो मेरे इस वाले एग्जांपल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डब्ल्यूडीवी वैल्यू क्या है, तो आपका बिल्कुल आसान सा आंसर आएगा, सर 1 लाख रुपए का कॉस्ट है, इसमें से आपने बोला डेप माइनस कर दो, माइनस में 30,000, रिजल्ट इज 70,000 रुपीज, हमारा क्या है, बुक वैल्यू। ठीक है, कभी भी मैं अगर किसी भी एसेट्स पे प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करूंगा तो मैं कैलकुलेट करूंगा बुक वैल्यू माइनस में सेलिंग प्राइस, या सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस में बुक वैल्यू। जैसे मैंने बोला इस एसेट्स को, मैंने जो भी मेरे पास एसेट्स था इसको मैंने 80,000 में बेच दिया, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। तो कैसे निकाला जाए प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे हम, अगर हमें प्रॉफिट जानना है तो हमारा आंसर है सेल माइनस में बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। ठीक है ना, इस तरीके से सेल मैंने 80,000 बोला तो आपका 80,000, इसमें से 1 लाख माइनस नहीं करना आपने, 30,000 नहीं करना आपको, 70,000 माइनस करना होगा। तो रिजल्ट आपने बोला सर 10,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट आ गया।
सेम अगर मैं 70,000 वाले सामान को, यानी मेरा सेलिंग प्राइस 60,000 होता, तो 10,000 प्रॉफिट के बजाय क्या आ जाता, हमारा 10,000 रुपये लॉस आ जाता। तो कुछ पॉइंट्स है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, हम उस एसेट्स में कभी भी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते, एक जगह पे एक्यूमुलेट करते रहते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब मुझे इसमें बताना करंट ईयर का, देखो अब मैं आपको डेटा देता हूं यहां पे, ध्यान से देखना, लास्ट ईयर का 2012, 11-12 दिख रहा है आपको, 11-12 का डेप बताओ कितना है, टोटल 11 एंड 12 टोटल हो गया 20, ठीक है ना, और मुझे बताना 12 एंड 13 का 30,000। तो मुझे बताओ करंट ईयर का डेप क्या है, 10,000 है करंट ईयर का, टोटल नहीं बताने, मैंने ये नहीं पूछा कि प्रोविजन फॉर डेप क्या है, मैंने पूछा करंट ईयर का डेप क्या है, दोनों वर्ड में फर्क है। अगर मैं पूछता हूं प्रोविजन फॉर डेप है, देन यू विल बी टोल्ड मी टोटल, आप मुझे टोटल बताएं। जब मैं बोलूं कि अगर डेप्रिसिएशन बताओ, तो सिर्फ करंट ईयर का बताओगे आप। तो मैंने पूछा बताओ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या है, आंसर 10,000। और देखो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या, मैं प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर करके 10,000 रुपीज फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में बढ़ने का रीजन जो हम डेप्रिसिएशन होगा प्रोविजन क्यों बढ़ा होगा, ए लॉजिकली देखो एक ही रीजन है भाई, पिछले साल 20,000 था, अब 30 हो गया, तो 10,000 इस साल और लग गया होगा प्रोविजन, और वो प्रोविजन हमारा टोटल नहीं है, कौन सा है, करंट ईयर का डेप है। तो सबसे पहले तो हमें यहां समझना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप क्या होता है। प्रोविजन फॉर डेप एक इकट्ठा होता है, बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट में से हम क्या माइनस कर दें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू के बाद अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे, तो हम किस में से किसको माइनस करेंगे, सेल में से बुक वैल्यू, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे जवाब देना, मेरा बुक वैल्यू है, एक लाख रुपए, प्रोविजन फॉर डेप, बीस हजार रुपए, ठीक है। आप मुझे बताएं कि अगर मैं इसको सोल्ड कर दूं, अगर मैं इसको सोल्ड कर दूं, सपोज करो मैं इसे सोल्ड करने जा रहा हूं 1,30,000 में, मेरा आंसर, क्वेश्चन मेरा यह है, मुझे कॉस्ट जानना है और मुझे प्रॉफिट या फिर लॉस जानना है, क्या आप इसका आंसर दे सकते हो। सबसे पहले प्रॉफिट क्या आएगा, 30,000। आपने सिंपली करा सर, आपने बुक वैल्यू तो देखी दे ही रखा है। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे अभी तो इसमें से माइनस करेंगे तो 80 आएगा, ऐसा नहीं है, जब बुक वैल्यू मैंने लिखा तो मींस माइनस हो चुका है, ठीक है ना। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000, तो रिजल्ट क्या आया, आपने बोला सर प्रॉफिट तो 30,000 है, हर किसी को समझ में आया प्रॉफिट 30,000, किसी को 50 तो नहीं लग रहा, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस क्या था एसेट्स का, कॉस्ट प्राइस क्या था 120, यानी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऐड भी कर सकते हैं। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप इजीली फाइंड कर सकते हो वहां पे प्रॉफिट लॉस, ठीक है। अगर मैं आपको दे दूं कॉस्ट 10,000, सेकंड क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर टू, कॉस्ट एंड बुक वैल्यू 20,000, सॉरी बुक वैल्यू 6,000, क्या आप यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बता सकते हो, 4,000 डिफरेंस क्या रहेगा हमारा, 4,000। तो इसी तरीके के क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, गिवन कैसे होगा, वन मशीनरी सोल्ड कॉस्टिंग 10,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज देयर ऑन 4,000 रुपीज 4,000, मैंने रिपीट में कर रहा हूं, वन मशीनरी सोल्ड कॉस्टिंग 10,000, चार्ज ऑन देयर ऑन डेप्रिसिएशन 6,000 और सोल्ड इतने का, इस तरीके से अमाउंट आपको देगा। तो आपको क्या करना है वहां पे, सिर्फ प्रॉफिट लॉस टोटल डेप्रिसिएशन ये सब कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला वैसे कोई है नहीं, ये बस मैंने बता दिया, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सेल में से क्या माइनस करोगे, बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू निकालना कैसे है, बुक वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट में से माइनस करेंगे करंट ईयर का डेप या प्रोविजन फॉर डेप, प्रोविजन फॉर डेप माइनस करेंगे। और अगर 2 साल का प्रोविजन दे रखा हो तो दोनों का डिफरेंस हमेशा जो भी निकलेगा वो क्या माना जाएगा,
करंट ईयर का डेप। इतना सा पॉइंट आपको क्लियर है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एग्जाम में बोला जा सकता है प्रिपेयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसके अंदर मैं भी फॉर्मूला लिख दूंगा। यहां तक बस मेरा बेसिक समझाने का मतलब था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे बनता है। और जो लास्ट हमने टॉपिक किया था उसके अंदर था हमारा सिंपल डेप्रिसिएशन, सिंपल डेप्रिसिएशन जिसके अंदर हर साल माइनस होके आ रहा था। अब मेरा देखो मैंने क्या यहाँ हेडिंग डाला है, व्हेन गिवन इन द बैलेंस शीट एंड नो इन्फॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग सेल। तो इसका मतलब आपके पास पता है कैसे इंफॉर्मेशन होगा, आपके पास मे बी इंफॉर्मेशन हो सकता है इस तरीके से। मान लो मैंने लिखा मशीनरी 10,000 और मैंने लिखा 12,000, 10,000 और लिखा मैंने यहां पे 12,000, और यहां पे मैं लेस करके दिखाऊंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,000 से 3,500। ये लेस करके इस तरीके से आपको गिवन होगा और नीचे वो माइनस करके दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंसर्न इज हमें निकालना है करंट ईयर का डेप, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन का यूटिलाइज कहां, यूज कहां करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नेट प्रॉफिट में ऐड करने के काम आएगा। तो अब यहां पे कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं आपके पास। पहले डेप्रिसिएशन प्रोविजन कितना था 2,000, अब कितना हो गया, कोई सेल कोई परचेज मैंने बताया यहां पे नहीं बताया, तो इट मींस करंट ईयर का डेप क्या होगा बताओ, करंट ईयर डेप्रिसिएशन 1,500 रुपए होगा, करंट ईयर का डेप क्या माना जाएगा। और इस करंट ईयर के डेप को पता है कहां शो करेंगे, इस करंट ईयर के डेप को ले जाएंगे हम, ऐड कर देंगे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कहां ऐड करना है आप अच्छे से जानते हो, नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड करना है। अब ये एक 10,000 से 12,000 हुआ, इसका बढ़ने का क्या रीजन है, ओनली परचेज। परचेज क्या करा, आप अकाउंट भी नहीं बनाओगे, सिंपल पता चल रहा है 2,000 का क्या हुआ है, परचेज हुआ है, ठीक है, 2,000 रुपीज का आपका परचेज माना जाएगा। तो अगर आपको अलग से सेल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, कितने का मशीनरी कितने का बेचा, तो आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को दोनों साल से कंपेयर करके आप क्या कर सकते हो, करंट ईयर का डेप फाइंड कर सकते हो, और इसको फाइंड करके कहां ले जाएंगे हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और इसमें से जो भी निकला हमारा, ये निकलेगा हमारा क्या, परचेज। इस परचेज अगर कोई एसेट्स खरीदते तो कहां से रिलेटेड करेगा बताओ, कोई भी एसेट्स खरीदेंगे तो रिलेट करेगा इन्वेस्टिंग से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, और एक इन्वेस्टिंग में क्या होगा, माइनस होगा। अभी इन्वेस्टिंग हमने देखा नहीं है लेकिन मैं अभी से थोड़ा थोड़ा आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। और बताओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और दूसरे किस तरीके से दे सकता है, क्या लाइबिलिटी में भी दे सकता है एग्जामिनर हमें। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपने देखा होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन या लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आता है हमारा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्या उसमें लाइबिलिटी में मेंशन कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी साइड में अगर मेंशन 2 साल का डेटा है तो वहां पे भी आप क्या करोगे, इजिली कंपेयर करके निकाल सकते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, करंट ईयर का डेप। दोनों साल का डिफरेंस क्या माना जाएगा, करंट ईयर का डेप। चलो अब सेकंड कॉन्सेप्ट कहते हैं व्हेन गिवन इन द बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट, यानी बैलेंस शीट में भी देगा और एडजस्टमेंट में भी देगा, या फिर सेल इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो तो क्या करेंगे। ऐसे सिचुएशन में हमें सिंपली एक अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, और जो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एक नहीं इनफैक्ट 2 अकाउंट प्रिपेयर करना होगा हमें, और अकाउंट होगा हमारा कौन सा, फर्स्ट बनाएंगे हम एक फिक्स एसेट्स अकाउंट, मैं यहां बना रहा हूं फिक्स एसेट्स अकाउंट, फर्स्ट बनाएंगे हम फिक्स एसेट्स अकाउंट,
और सेकंड एक और अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। ध्यान से देखना इस अकाउंट को, मेन अकाउंट तो हमारा यही रहेगा। सेकेंड होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दो अकाउंट रहेगा। अब फिक्स एसेट्स अकाउंट हमारे लिए क्या है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्चुअल में क्या है, लाइबिलिटी। आपको करना क्या है, सबसे पहले जब हमें कब अकाउंट प्रिपेयर करना है पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑल दो हम यहां भी अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं मिनिमम टाइम में, हम मैं सिचुएशन बता रहा हूं कि जब ऐसे हो तो बिना अकाउंट बनाए भी काम चल जाएगा, नहीं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देगा। तो यहां भी यही अकाउंट बना करके आप सोल्यूशन कर सकते हो, लेकिन बनाने की मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी आपका टाइम कंज्यूम होगा। व्हेन गिवन इन द बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट, दोनों जगह एक साथ गिवन हो, या फिर आपको सेल का कोई इंफॉर्मेशन दे, किस चीज का सेल का, एसेट सेल का, कि 10,000 वाले एसेट्स के बुक वैल्यू को इतने का बेच दिया, वो इंफॉर्मेशन हो। तो सबसे पहले आपको इस अकाउंट को देखो, सीखने का सबसे आसान तरीका है बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी कहां कहां जाएगा। अगर आपको पता है तो मान के चलो आपको 90% ये अकाउंट पता चल जाएगा। अब बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी मैं पूछना चाहता हूं, फिक्स एसेट्स का बताओ बैलेंस बीडी किधर होगा, टू साइड टू बैलेंस बीडी, ये आ जाएगा टू साइड में टू बैलेंस बीडी। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस बीडी किधर होगा, बाय साइड बाय बैलेंस बीडी। अब फिक्स एसेट्स का बैलेंस सीडी किधर होगा, बाय बैलेंस सीडी। और प्रोविजन का बैलेंस सीडी होगा टू बैलेंस, ये ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा। और मैंने आपको बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब कभी भी कोई अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी को कहीं भी नहीं लिखा जाता पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उसके अंदर से जो इंफॉर्मेशन जनरेट होता है उसका हम यूज करते हैं नॉर्मली। तो सबसे पहले हमने बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी तो पता चल गया कि किसका कहाँ आएगा, और ये हमें पहले से पता है इनफैक्ट एसेट्स का कहाँ लिखा जाए, लाइबिलिटी का कहाँ लिखा जाए। अब एसेट्स इधर से प्लस होगा और इधर से, और लाइबिलिटी जो है इधर से प्लस और इधर से माइनस। अब हमें एक काम क्या करना है, जो एसेट्स बिकेगा, जैसे मेरा वाला एसेट्स था 1 लाख का, उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप क्या था, 30,000, यानी 30,000 एक साल का डेप था या पूरे साल का डेप, टोटल डेप था टोटल। तो जो एसेट्स बिकेगा हमें उसके डेप्रिसिएशन को यहां लिखना है, और उसके डेप्रिसिएशन को यहां लिख के हमें इस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, किस अकाउंट में, फिक्स एसेट्स। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं फिक्स एसेट्स अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट हमें ये, इसका मतलब अभी मैं लिख भी दूंगा। और बाय साइड में लिखना है हमें क्या लिखना है, बाय साइड में, बाय साइड में लिखना है हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक एग्जाम्पल लेके भी करेंगे अभी। तो बैलेंस बीडीसीडी लिख पता चल गया, जो एसेट्स बिकेगा, क्योंकि सेल का इंफॉर्मेशन होगा या एडजस्टमेंट होगा, जो एसेट्स बिकेगा तो कितने का बिका उससे मतलब नहीं अभी फिलहाल, उसके ऊपर टोटल डेप क्या चार्ज किया गया उस डेप्रिसिएशन को यहां लिखना है, और इसको सेम ट्रांसफर कहां कर देंगे, फिक्स एसेट्स अकाउंट में। देखो दोनों में नेम इंटरचेंज है, क्योंकि इसका मतलब है ये फिक्स एसेट्स अकाउंट में जाएगा और इसका मतलब है कि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से आया है, ये इंटरचेंज हो जाता है। अब इस अकाउंट को पहले क्लोज कर देंगे हम, इस अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर हमेशा निकलेगा बाई साइड में, और बाई साइड में जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से, या स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से डेप्रिसिएशन,
ये वो डेप्रिसिएशन होगा जो कि करंट ईयर में चार्ज किया जाता है। ये डेप्रिसिएशन वो है जो कि करंट ईयर का चार्ज किया जाएगा। और इस डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, इस डेप्रिसिएशन को हम प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट में। कौन से एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, यहां पे अकाउंट प्रिपेयर किया। क्यों प्रिपेयर किया? क्योंकि यहां पे हमारा एक पॉइंट यहां पे आ गया। अगर हमारा सेल परचेज नहीं होता, दोनों का डिफरेंस ही आता हमेशा। अब कितने रुपए का बेचा गया, इस साइड में लिखा जाएगा बाय। कितने रुपए का बेचा गया? बाय बैंक से सेल, और उसपे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी इधर रिकॉर्ड करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो बाय साइड में, टू साइड में आएगा। लॉस हुआ तो बाय साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर लॉस हुआ तो बाय साइड में, इन केस प्रॉफिट होता है तो टू साइड में लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट। और अब इस अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा? इस अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर जब हम टोटल करेंगे तो परचेज निकलेगा। टू साइड से निकलेगा परचेज, बैंक से परचेज, बैंक से निकल जाएगा हमारा परचेज, बैंक से परचेज। ये बैलेंसिंग फिगर होगा यहां। अब इस अकाउंट में देखो, ये तो ट्रांसफर हो गया डबल एंट्री में। बैलेंस बीडी का कोई एंट्री नहीं करना, बैलेंस सीडी का कोई एंट्री नहीं करना, और यहां पे मैंने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ले लिया। अब मैं इसकी बात करता हूं, इस अकाउंट में बैलेंस बीडी का कोई एंट्री करना होता है क्या? नहीं, बैलेंस सीडी का कोई एंट्री नहीं करना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को छोड़ दो क्योंकि वो ट्रांसफर होके आया। अब बाकी कौन कौन सा यूज करना पड़ेगा हमें? एक बैंक से सेल, ये कहां का पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे तब भी मैं बताऊंगा फिक्स एसेट्स, लेकिन तब फिक्स एसेट नहीं बनाएंगे, तब हम डायरेक्टली करेंगे। लॉस या प्रॉफिट ये किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये किसका पार्ट है? आपको याद होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देते थे नेट प्रॉफिट में। ठीक है ना, ऐड किसमें कर देते थे? नेट प्रॉफिट में। इसके बाद बैलेंस बीडी का यूज नहीं करना। प्रॉफिट एंड लॉस से अगर प्रॉफिट आता है तो ये कहां का पार्ट है? ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। पानी बोतल देखो यहीं पे होगा, देखना पीछे बोतल है बोतल उधर। एक काम करो, आप नीचे से, नीचे बोतल होगा, नीचे पानी भी है, नीचे से पी के आ जाओ आप। तो प्रॉफिट एंड लॉस से देखा जाए, अगर मैं पीएनएल की बात करूं तो पीएनएल से हमारा अगर प्रॉफिट आएगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इधर ध्यान दो, दो मिनट का टॉपिक रह गया, माइनस। इसके बाद नेक्स्ट क्या आया हमारा? बैंक से परचेज। अगर मैं बैंक से परचेज बताऊं कहां का पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी का कोई एंट्री नहीं करना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कोई एंट्री नहीं करना। अगर सेल आएगा तो कहां का पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। प्रॉफिट आया तो ऑपरेटिंग, लॉस आया तो भी ऑपरेटिंग का, और परचेज आया तो भी तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाने का मेन पर्पस है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना। ठीक है, तो ये हमारा एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर टू। दोबारा अगर इसको मैं सम करूं तो एडजस्टमेंट नंबर टू में क्या है कि सबसे पहले अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में गिवन होता है तो हमें अकाउंट बनाने की तो जरूरत नहीं है। दोनों साल के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अगर डिफरेंस ले लें तो इजीली हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो डेप्रिसिएशन ऐड करना होता है वो फाइंड कर लेंगे। लेकिन
अगर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है सेल से रिगार्डेड, तो हम दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एक करेंगे हम फिक्स एसेट्स का अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर फिक्स एसेट्स जिस पे भी है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी दोनों में पुट कर लेना है। उसके बाद जो एसेट्स बिका उसके उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा वो इधर लिखेंगे, और इस डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, फिक्स एसेट्स अकाउंट में। बाकी कितने का सेल हुआ यहां पुट करना है, कितना नुकसान हुआ यहां पुट करना है, प्रॉफिट पुट करना है, और उसके बाद एक एक इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3। पहले एक बार इसको नोट कर लो, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन,